हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज मैं आपको कंप्यूटर का सेकंड टॉपिक कंप्यूटर का उद्भव और विकास पढ़ाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों कंप्यूटर का विकास। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि किसी भी कंप्यूटर का जो विकास है, किसी भी डिवाइस का जो विकास है, वो धीरे धीरे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अबाकस की, कि अबाकस क्या था। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि अबाकस क्या था। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अबाकस विश्व की प्रथम गणना मशीन थी, जिसका आविष्कार चीन के बेबीलोन शहर में किया गया था और इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। यह इसमें लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिस पर तार लगे होते हैं और जिस पर मोतियों को या मनकों को या बैट्स पिरोई जाती है, जिसकी सहायता से इन्हें सरकाकर गणना की जाती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अबाकस जो यहाँ पर बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, यह डायग्राम जो है दोस्तों एक अलग प्रकार का अबाकस दिया हुआ है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अबाकस के दो पार्ट होते हैं, अर्थ एंड हेवन। तो अर्थ का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, और पृथ्वी हमेशा नीचे होती है, और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग या जन्नत, जो हमेशा ऊपर होती है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों इस अबाकस में अर्थ एंड हेवन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अबाकस कई प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर एक सिंपल अबाकस दिया हुआ है, लकड़ी का ढांचा है और उसमें कलरफुल मनके या मोती दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अबाकस से इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बना कि इसके आविष्कारक कौन है, ली काई चेन। इसके आविष्कारक कौन है, ली काई चेन, और इसका आविष्कार कहाँ हुआ, चीन के शहर बेबीलोन में। और दोस्तों ये दो क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पास्कलाइन की। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बाद में पास्कलाइन का डेवलपमेंट किया गया। तो पास्कलाइन जो थी दोस्तों, यह एक ऐसी डिवाइस थी जिसका डेवलपमेंट फ्रांस के मैथमेटिशियन या गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। यह प्रथम गणना मशीन थी, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डिफरेंस इंजन की। तो जो डिफरेंस इंजन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जो पास्कलाइन मशीन के बारे में मैं आपको बता रहा था, इस मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। और यह मशीन जो है दोस्तों, यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन है। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, जिस पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती थी। दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंस इंजन की। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, तो ये दोनों का आविष्कार दोस्तों कंप्यूटर साइंस के पिता, मतलब कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, अर्थात चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो दोस्तों ब्रिटिश गणितज्ञ या ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। और इसकी विशेषता थी दोस्तों, ये भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। और इसी के 20 साल बाद इसी वैज्ञानिक ने, चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं, जोड़ घटाव व गुणा भाग कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर या कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर और उसके बारे में। तो हम आप बात करेंगे चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा के बारे में। तो दोस्तों लेडी एडा अगस्टा जो थी, वो विश्व की पहली प्रोग्रामर थी और यह चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी, और इन्होंने ही बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान के लिए कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा दोस्तों। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि हमारा जो चार्ल्स बेबेज था, इन्होंने ही क्या किया था, कंप्यूटर के क्षेत्र में एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। मतलब एनालिटिकल इंजन बनाया, किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसीलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में इसने बहुत योगदान दिया, इसी कारण इसे कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेंसस टेबुलेटर की। तो सेंसस टेबुलेटर का जो आविष्कार है दोस्तों, इसका आविष्कार 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हॉलीरथ ने किया था। और अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हॉलीरथ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अमेरिका के जनगणना विभाग के कर्मचारी थे और इन्हें जनगणना का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। और इसी इन्होंने ही वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पंच कार्ड का यूज डेटा स्टोर के लिए किया था, और इन्होंने ही पंच कार्ड की भी आविष्कार को किया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि पंच कार्ड के बारे में, तो पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड था जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा या प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ा जाता था। कंप्यूटर के लिए डेटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग से कपड़ा बुनने की मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पंच कार्ड का यूज़ जैकॉर्ड लूम मशीन में किया जाता है। जैकॉर्ड लूम मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि कपड़ा बुनने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका आविष्कार जो है दोस्तों, जैकॉर्ड लूम का आविष्कार जो है जोसेफ मेरी जैकॉर्ड ने 1801 में किया था। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट जो था कंप्यूटर के क्षेत्र में मार्क फर्स्ट। तो दोस्तों मार्क फर्स्ट जो है, इस कंप्यूटर का निर्माण IBM कंपनी ने किया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, IBM कंपनी के संस्थापक हरमन हॉलीरथ ही थे, जो कि इस मशीन का पुराना नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जिसे बाद में इसका विस्तार करके, इसे एक्सपांड करके हरमन हॉलीरथ ने IBM कंपनी की स्थापना की। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वही IBM मशीन है, IBM कंपनी है दोस्तों, जो रैम बनाती है, हार्ड डिस्क बनाती है, फ्लॉपी डिस्क बनाती है, और बहुत सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को बनाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था, इसे हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में बनाया गया था और इसका नाम मार्क फर्स्ट रखा गया। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस की, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में डेवलप की गई, उसका नाम है ABC। और बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये CPCT का भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे किसने बनाया। तो ABC का पूरा नाम एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर होता है। इसका नाम इसके डेवलपर के नाम पर रखा गया है। इसके डेवलपर थे जॉन एटानस ऑफ और क्लिफोर्ड बेरी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विश्व का कौन सा है। तो पहला विश्व का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC है। तो दोस्तों ABC का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल रट लेना है, इसके बाद में इसके डेवलपर कौन है, और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ENIAC की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कल मैंने आपको कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ाई है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में प्रथम पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर था, उसका नाम था ENIAC, जिसे अमेरिका के दो वैज्ञानिक JP अकर्ट व जॉन मुचली ने बनाया था। और यह बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज पर कार्य करता है। और ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, और प्रथम पीढ़ी में बाइनरी लैंग्वेज का एबंडेंट यानी बहुतायत से यूज़ किया गया था। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना है, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेगी। वीडियो को बीच में बिल्कुल एस्केप ना करें, आप भी कंटिन्यू रहे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है ADVAC। तो दोस्तों ADVAC जो था, ये
ईनियक के बाद डेवलप किया गया कंप्यूटर था जिसका कि फुल फॉर्म बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। एडवेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है वैद्युत और डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों, डिस्क्रीट का मतलब होता है निरंतर, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, और ऑटोमेटिक कंप्यूटर का मतलब होता है स्वचालित कंप्यूटर, मतलब कि विद्युत से चलने वाला निरंतर उसके वेरिएबल या चरों को बदलने वाला, मतलब जिसकी वैल्यू जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है, ऐसा कंप्यूटर जो कि चेंजेबल वैल्यू के साथ काम करने के लिए कॉम्पेटेबल होता है, वो एडवेक है दोस्तों। तो इनियक कंप्यूटर में इसके प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था, इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट की इन्वेंट किया या डेवलपमेंट किया। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट वॉन न्यूमैन ने दिया। इसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको बिल्कुल एस्केप नहीं करना है, इसको आपको पूरा देखना है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है अमेरिका के वैज्ञानिक वॉन न्यूमैन का था, इसीलिए। इसके बाद में दिया है दोस्तों, इन्हें डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इस बुक में इधर पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आविष्कार है वो लेडी एडागस्टा ने किया, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने का आविष्कार जो है वॉन न्यूमैन ने किया। तो ये दोनों फैक्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से रट लेना है दोस्तों, कि जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका आविष्कार लेडी एडागस्टा ने किया, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में डेटा स्टोर करने का काम वॉन न्यूमैन ने किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिवेक। तो इसके बाद में यूनिवेक कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया दोस्तों। तो यूनिवेक के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक, ये पूरी तरह से डिजिटल डेटा पर वर्क करता था। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, मतलब होता है हिंदी में इसका सार्वत्रिक स्वचालित कंप्यूटर। तो दोस्तों यह पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक व सामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक का निर्माण दोस्तों 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। इसके बाद में दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर की जान होता है, हमारे कंप्यूटर के CPU की जान होता है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर जितनी अच्छी क्वालिटी का होता है आपका कंप्यूटर उतना स्मूथली वर्क करता है, उतने ज़्यादा एप्लीकेशन आप उसमें चला सकते हैं, उतना ज़्यादा हार्डवर्क आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और जिन लोगों के पास में शादियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या किसी फंक्शन या पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके पास में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 70,000 से 80,000 तक के कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि उनके पास में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही दमदार होता है दोस्तों। वो ऑनलाइन वीडियो को एडिट करते हैं और वीडियो को अपलोड करते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग होती है ताकि उन्हें हाई क्वालिटी का माइक्रो प्रोसेसर रिक्रूट होता है दोस्तों। आज भी हम वर्तमान समय में बात करें, जितने भी 4G फोन आ रहे हैं दोस्तों, इनका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही अधिक क्षमता का होता है, जिसके कारण उनमें हम इजीली मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ चला सकते हैं। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो होता है यह चौथी पीढ़ी से स्टार्ट किया गया है, इसका उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर का युग कहा जाता है, और चौथी पीढ़ी से ही माइक्रो प्रोसेसर आया। तो माइक्रो प्रोसेसर में चौथी पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया दोस्तों, उसका नाम है VLSI। तो VLSI का पूरा नाम दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। वेरी लार्ज का मतलब होता है बहुत लंबा, स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि लंबाई में बहुत लंबा, लंबाई वाला एकीकृत परिपथ जिसमें कि 24 पिन 26 पिन इस टाइप से पिने होती है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, विश्व में जो पहली IC थी उसका निर्माण JS किल्वी ने किया था, और पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था उसका निर्माण इंटेल कंपनी ने किया था, जिसका कि नाम आपने सुना होगा और चित्र में भी आप देख रहे हैं दोस्तों। इस इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जो कि 4-bit माइक्रो प्रोसेसर था, जिसका नाम था इंटेल 4004। ऐसे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, जैसे इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन और AMD। वैसे ही दोस्तों एक और माइक्रो प्रोसेसर है जैसे आपने नाम सुना होगा, डबल क्रो
ड्यूअल कोर प्रो, इस टाइप से बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, i3, i4, i5 इस टाइप से दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एप्पल सेकेंड। तो एप्पल सेकेंड जो है दोस्तों, यह भी कंप्यूटर के विकास में एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। इसका निर्माण 1977 में किया गया था दोस्तों, इसका नाम एप्पल सेकेंड रखा गया। तो दोस्तों इस तरह से ये कंप्यूटर का विकास कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि हम आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार बागड़े, आपको यह वीडियो दिया, वीडियो कैसा लगा आप हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।